सम टाइम ए फ्रेंडली सोल वेल स्टॉप बाज़ात दोस्ताना मिजाज रखने वाला कोई फ़र्द रुक जाएगा द फेंस, बाढ़ के नज़दीक वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड जहाँ थका हुआ बूढ़ा सर रेस्ट वेयरिली ऑन द ऑन द टॉप मोस्ट बार थके हुए अंदाज में सबसे ऊपर वाली सलाख पर ठिका होता है एंड ए फ्रेंडली वर्ड इज सेड और एक दोस्ताना बात कही जाती हैन द ओल ब्राउन हॉर्स गिवस ए लिटल साई फिर फिर बूढ़ा गोड़ा हल्की सी आह बढ़ता है साई कहते हैं आह को एज ही फील्स द काइंडली टच जब वो मुशफाना लम्ब को महसूस करता है ऑफ ए हैंड ऑन हिजमैन और हिज शेगी कोट एक हाथ के अपनी अयाल पर या अपने लंबे और उलझे हुए बालों पर एंड एंड ही डज़ नाट माइंड सो मच और वो बहुत और वो बहुत बुरा नहीं मनाता और वो ज़्यादा बुरा मन नहीं मनाता सो इफ़ यू पास बाई द फील्ड वन डे इस पैराग्राफ में जो है अब हमें तलकिन की गई है कि हमें इस तरह के जानवरों से कैसे पेश आना चाहिए सो इफ़ यू पास बाई द फील्ड वन डे लिहाजा अगर आप किसी दिन खेत से गुजरें जस्ट टॉप फॉर एवॉर्ड आर टू तो बस एक तो, तो बस एक दो बातें करने के लिए रुक जाए विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स वू वॉज़ वंस एज यंग बूढ़े 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 घोड़े के साथ जो कभी जवान था एंड एज फॉल ऑफ लाइफ एज़ यू और ज़िंदगी से इसी तरह भरपूर था जैसे आप ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड वो आपके नरम वो, वो आपके नरम नोखेज़ हाथों के लम्स को बहुत पसंद करेगा एंड आई नो ही विल सीम टू से मैं जानता हूँ कि वो ये कहता हुआ मालूम होगा ओ थैंक यू फ्रेंड्स ओ तुम्हारा शुक्रिया दोस्त फॉर द काइंडली ताट इस मशफिकाना सोच पर फॉर ए हॉर्स वो हैज़ हैड हिज डे एक ऐसे घोड़े के लिए जिसका अच्छा वक्त गुजर चुका है तो दोस्तों ये पोइम जो है ये डब्ल्यू एफ होम्स ने लिखी है तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोइम की के के एक्सरसाइज की जाने मूव करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके साथ तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह